नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। देश में कोरोना के मामले हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है और क्या इंतजाम है, इसका जायजा लेने खुद सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित हो रही है। स्थिति गंभीर है और मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी एक्शन में दिखाई देने लगे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इसके बाद वो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय और कोरोनेशन अस्पताल में भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बनाए गए कोविड केयर सेंटर की क्षमता भी 450 बेड की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां 500 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोविड केयर सेंटर में ठहरने वाले व्यक्तियों को आवश्यक सामग्री की किट निःशुल्क दी जाए। साथ ही सेंटर में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, सीसीटीवी कैमरों और कोविड के मानकों के हिसाब से अन्य समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से संचालित की जाएँ। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि यहां ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और गुणवत्ता युक्त भोजन की व्यवस्था भी की जाए। शौचालयों को सैनिटाइज करने के साथ साथ साफ सुथरा रखने के भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही कोरोना संक्रमितों की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें तुरंत हायर सेंटर रेफर करते हुए वहां पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमितों के बेसलाइन असेसमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरत के मुताबिक इलाज की व्यवस्था कराएं। निजी अस्पतालों में भी कोविड बेड की क्षमता बढ़ाने में सहयोग किया जाए। मुख्यमंत्री ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कोरोनेशन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने समस्त संसाधनों के साथ पूर्ण निष्ठा से प्रतिबद्ध है और प्रदेश की जनता को हर संभव मदद और बेहतर चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि सरकार जनता के लिए और जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। सभी जिलों के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन है, दवाइयों और जरूरी उपकरणों की भी पूरी उपलब्धता है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे छोटे दुकानदार और छोटे व्यवसाय वाले पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में पौड़ी में बस अड्डों पर गढ़वाल मंडल मोटर्स की गाड़ियां दुकानों के आगे खड़ी होने से दुकानदार परेशान हैं। कोरोना संकट में मंदी की मार झेल रहे दैनिक मजदूरी करने वाला मजदूर पौड़ी में बस अड्डों पर उनकी दुकान के आगे लगने वाली गाड़ियों से परेशान हैं। बस अड्डे पर छोटे दुकानदार जिन्होंने नगर पालिका से दुकान किराए पर ले रखी हैं, उनका कहना है कि उनकी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी होने से ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ पाते, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। 7 बजे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, 7 बजे 11 बजे तक तो सामने बड़ी गाड़ी वहाँ दुकान के सामने आ रही, ग्राहक कौन आ रहा है। अच्छा जी, मतलब अभी तक हमारी भूमि तलब नहीं हुई गाड़ी की वजह से। तो कौन सी गाड़ियाँ लगते हैं यहाँ पे? जम्मू की, किसी कैश की, हटवार की। अच्छा, तो क्या चाहते हो प्रशासन से आप? प्रशासन से सर ये गाड़ी हट जाए। बस अड्डा कहाँ पे है इनका? बस अड्डा सामने बना हुआ है सर। जब पहले बस अड्डा नहीं था जब तो खड़ी कर लेते, जब तो कोई बात नहीं है, बस अड्डा बन चुका। बस अड्डे के बावजूद भी यहाँ पे लगा रहे गाड़ी लगाते हैं? कौन से? जेमू वाले हरिद्वार के, ऋषि वाले। आपको बता दें कि पौड़ी बस अड्डे पर फल विक्रेताओं नाई मोची की दुकानें हैं, जिन्होंने 2000 से 3000 तक किराए पर दुकान ले रखी हैं। गढ़वाल मंडल मोटर्स की गाड़ियां अनावश्यक उनकी दुकानों के आगे खड़ी कर दी जाती हैं, जिससे ग्राहकों को आने में परेशानी होती है। अगर बस मना करते हैं यहाँ लगाने के लिए, सामने बंदे के लिए लगने के लिए तैयार, कहाँ लगाए हमें जगह बताओ। ज़्यादा हम क्यों बताएं? हम थोड़ी बताएंगे कि बस अड्डा बनाए हुआ, सबको नहीं दिख रहा कि हाँ बस अड्डा बनाए हुआ, हम वहाँ लगाएं बस। तो फिर क्या किया आज इन सुबह सुबह इन लोगों ने आपके साथ? थोड़ी आगे पीछे की, फिर बाद में टाइम हो रहा, हमारा टाइम हो रहा, कब होगा? शाम को 6 बजे से बस खड़ी हो जाएगी, सुबह 11 बजे तक कब करेंगे हम दुकानदार? हालांकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। हालात में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता। बस अड्डा बन जाने के बावजूद भी वाहन चालक अपने हट धर्मिता से बाज नहीं आ रहे और जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। जो भी वाहन चालक जो हमारे द्वारा पूरे पौड़ी क्षेत्र के अंदर जो है यातायात को तैयार किए जा रहे हैं, वाहन चालक अलग
तक डेढ़ बजे नो पार्किंग जोन में या कहीं भी बिना लाइन सर्कल होकर गाड़ी तीन मतलब कुछ ग्राफ हमारे द्वारा बार बार चालान कार्रवाई की जाती है और तब अभी तक हमारे सिग्नल में था कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदार अनावश्यक पार्किंग से जिस तरह से परेशान हैं, वहीं देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन की तरफ से इन पर कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी से न्यूज रोल इंडिया के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने यूपी बॉर्डर से लगते हुए तमाम स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान रामपुर बॉर्डर पर बने चेकिंग पॉइंट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद न मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई और साथ ही सीएमओ देवेंद्र पंचपाल की जमकर क्लास भी लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगने के बाद प्रदेश में प्रवासियों का लौटना जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और जनपद के बॉर्डर में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा किच्छा के पुलभट्टा और रुद्रपुर के रामपुर बॉर्डर का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान रामपुर बॉर्डर में स्वास्थ्य विभाग की टीम न मिलने से डीएम आग बबूला हो गई। उन्होंने सीएमओ को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए उनकी जमकर क्लास भी लगाई। अभी हमने पुलभट्टा बॉर्डर चेक किया है, वहाँ से आने के बाद रामपुर बॉर्डर में है तो पुलभट्टा बॉर्डर में पूरी टीम मुस्तैद है, चाहे हेल्थ विभाग की हो, पुलिस विभाग की टीम हो, सभी लोग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हमने देखा बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। बट ये रामपुर बॉर्डर में काफ़ी मिसमैनेजमेंट है। हेल्थ विभाग की टीम अभी 1 बजे तक यहाँ पे थी ऐसा बताया गया जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे हेल्थ की टीम भी नहीं है जो कि बहुत गंभीर विषय है। इसमें सीएमओ हमारे साथ मौजूद हैं, उनको कड़े दिशा निर्देश दिए गए, तत्काल टीम रखें और भविष्य में ऐसी शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई मैं करूँगी। और अभी तो जिसकी जिम्मेदारी है यहाँ पे टीम भेजना, उसको देखें किसकी जिम्मेदारी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी कॉल करें, उसका वेतन रोकें और उस पर कार्रवाई करके हमें अवगत कराएं। दोबारा से ये अंतिम चेतावनी है मेरी तरफ से, दोबारा से मुझे इस टाइप का बॉर्डर में कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं चाहिए। और पुलिस विभाग की तरफ से थोड़ा और टीमों की आवश्यकता लग रही है तो उसमें पीएसी की टीम तैनात है, बट उनको भी यहाँ पे कहा गया है कि कठोरता से उनका अनुपालन कराएं ताकि संक्रमण किसी तरह से भी ऐसा ना लगे कि भाई संक्रमण बाहर से टीमें बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको देखा नहीं गया इस वजह से संक्रमण फैला। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी होंगे कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिस टीम की ड्यूटी बॉर्डर पर है वो टीम मौजूद नहीं है, ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोके जाएं और उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने कहा कि शाम तक उन्हें इस मामले में स्पष्टीकरण चाहिए वरना आपके खिलाफ भी कार्रवाई से नहीं चूकूंगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि बॉर्डर पर पुलिस की संख्या भी कम है, संख्या को बढ़ाते हुए प्रत्येक वाहन को रोक कर पूछताछ की जाए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में लॉकडाउन की गाइडलाइन के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आने जाने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी पूरी तरीके से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि आने जाने वाले वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है और जो लोग शादी पार्टी से रिटर्न हो रहे हैं उनका कन्फर्मेशन के बाद ही उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग बिना वजह बस बाहर घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक्शन लिया जा रहा है। लालकुआ में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत प्रशासन फिर से अलर्ट हो गया है। नगर में कोरोना के मामले लगातार मिल रहे हैं, वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लालकुआ में कोरोना संक्रमित मामले पाए जाने के बाद नगर के वार्ड नंबर 2 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उक्त इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। बता दें नगर के वार्ड नंबर 2 में ही एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, जहां पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल ने भी स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। देखिए जो कोविड की गाइडलाइन के अनुसार जो भी वार्ड कंटेनमेंट होता है वहाँ के पूरे मोहल्ले वालों को कोविड टेस्ट करना होता है, तो लोग जो है कुछ लोग बचना चाह रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसमें मैं मेडिकल विभाग के साथ डॉक्टर लपांडे जी के साथ जो है इनकी मदद के लिए आई हूँ कि डोर टू डोर आप लोग देख ही रहे कि सर्वे कर रहे कि उनको प्रेरित कर रहे कि आप लोग टेस्ट कीजिए और इस बीमारी से बचें और आप सावधानी बरतिए कि ऐसा नहीं, ये इसी वार्ड में पहले जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है
उनके दादा को और बोते को कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने टेस्ट किया तो उनके 5 लोग और पॉजिटिव आ गए, उस घर में 6-7 पॉजिटिव हो गए। तो आज हमारी पूरी टीम आई है, मेडिकल विभाग और राजस्व विभाग और मैं खुद आई हूँ यहाँ। तो लोगों को प्रेरित करते हुए इनको कह भी रहे कि आप मास्क पहन के आइए और सैनिटाइज करिए, दूर दूर रहिए और टेस्ट ज़रूर कीजिए। टेस्ट के साथ साथ ही आप लोग टीका भी लगाइए, टीका लगाने से आप लोग घबराइए नहीं, टीका लगाएंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और ये अपना वो भी करेंगे। तो यहाँ के कुछ लोग अभी भी जो है जो नहीं आ रहे, हम संपर्क करते हैं इन लोगों से कि ये अपना टेस्ट कराएं और एहतियात के तौर पर जब तक ये कंटेनमेंट जोन नहीं खुलता है आप अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें और घरों में ही रहें। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है, इसीलिए नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को ना तो बाहर जाने की इजाजत है और ना ही किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सभी को कंटेनमेंट जोन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड-19 की जाँच सुनिश्चित कराने का निर्देश भी उन्होंने दिया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ ही हल्द्वानी के कई इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। बीते कई महीनों से पानी की किल्लत से परेशान मोरारजी नगर की महिलाओं का धैर्य आज जवाब दे गया और उग्र महिलाओं ने नैनीताल रोड स्थित धान मिल के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया। गर्मी का मौसम आते ही हल्द्वानी में पानी की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसे में परेशान मोरारजी नगर की महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए नैनीताल रोड स्थित धान मिल के पास हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बाद में पुलिस ने महिलाओं को बमुश्किल समझा बुझा कर जाम खुलवा दिया। कब से दिक्कत है आप लोग, क्या करिए? एक महीने हो गया हमें। कौन कौन क्षेत्र पानी आ रहा है? बिल्कुल पानी की बूंद आ रही है। मजबूरी में करा सर, हम तो सब जगह जाके आ गए, जल संस्थान भी गए हम। दरअसल बीते 2 महीने से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। वहीं महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसके बाद मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ा है। पानी के लिए महिलाओं को रात भर जाकर इंतजार करना पड़ता है। जल संस्थान टैंकर से पानी भिजवाया जा रहा है, लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। मजबूर होकर महिलाओं को आज सड़कों पर उतरना पड़ा। वहीं जाम लगने के बाद जल संस्थान के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए हल्द्वानी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ऋषिकेश के श्यामपुर न्याय पंचायत की ग्राम सभा खदरी खड़क माफ में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां 2 शावकों के साथ गुलदार नजर आया, इसीलिए लगातार वन विभाग की टीम गुलदार का रेस्क्यू करने में लगी हुई है और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी कर रही है। ऋषिकेश के श्यामपुर के खदरी गांव क्षेत्र में मादा गुलदार की धमक देखने को मिली है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, गुलदार ने कुत्ते को भी अपना शिकार बना लिया है और इलाके में आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी गुलदार घूमते हुए कैद हुआ है। वहीं गांव के प्रधान पति भगवती प्रसाद थपलियाल ने बताया कि जब हमें पता चला तो हमने वन विभाग को बताया, उन्होंने एक टीम को भेजकर पता किया है। गुलदार जो है करीबन पिछले जो है 15-20 दिन से जो है ये जो गांव में कुछ कैमरे लगे हुए हैं उसमें इसकी दिखाई दे रही है रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए जो है विभाग को सूचना की गई थी और अभी जो है लगातार ये रात के टाइम पर जो है सक्रिय होते हुए दिखाई दिया था। तो इसमें जो है फिर कल जो है रेंजर साहब से मुलाकात हुई थी, तो कल फिर वन विभाग के लोग भी आए, तो जहाँ पे फुटप्रिंट जो है इसके ट्रेस किए थे, तो फुटप्रिंट ट्रेस करते करते जब ये गन्ने के अंदर आए यहाँ पे, तो तब अंदर जाके देखा कि वो एक मादा गुलदार, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो चूंकि मादा गुलदार बच्चों वाली है तो उसके एकदम से उसका रेस्क्यू करना जो है ख़तरनाक था। तो आज जो है विभाग पूरे पिंजरे जाल लेकर आया है यहाँ पे, तो अभी तक तो उसका खैर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन विभाग पूरे प्रयास में लगा हुआ है और ग्रामीणों में थोड़ा सा जो है डर का माहौल तो है ही
कि जो है जंगली जानवर जो है घर के रिहायशी कॉलोनी के बगल में है, तो गांव के सभी लोग चिंता कर रहे हैं और विभाग को पूरा सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल जाएगी। लोगों से सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के बताए अनुसार वन विभाग को यहां गुलदार और शावकों के पगचिन्ह भी मिले हैं। वन क्षेत्र अधिकारी MS रावत ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार और दो शावकों की पुष्टि हुई है। जल्द ही टीम की मदद से यहां सक्रिय गुलदारों के रेस्क्यू के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। ओपन प्लेस होने की वजह से यहां पे ट्रैंकुलाइज करने में दिक्कत है और हमने एहतियातन यहां पे अनाउंसमेंट भी कराया है और प्रधान जी की मदद से पूरी जनता को जागरूक किया कि कृपया अपनी सेफ्टी बनाए रखें और प्रथम जैसे आज पिंजरा लगाया जा रहा है इसमें जल्द से जल्दी गुलदार को कैद होने की उम्मीद है। कैसे पता चला इसके बारे में? हमें प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी। क्या उम्मीद है अभी आपको? अभी हमारे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है और आज रात्रि पूरे यहाँ पे गश्त की जाएगी। अभी तक गनीमत ये रही कि गुलदार ने किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया, मगर क्षेत्र में मवेशी और पालतू जानवरों को लगातार गुलदार अपना निवाला बना रहा है। आलम यह है कि लोग अब रात को घरों से बाहर निकलने में भी झिझक रहे हैं। ऋषिकेश से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।